टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना गाइडलाइन नियमों को न मानने वालों पर अब मनपा ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भिवंडी बंजार पट्टी स्थित बारादरी होटल को मनपा ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि ओमिक्रोन का खतरा लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख अपनी टीम के साथ भिवंडी के बारादरी होटल पहुँचे और होटल का स्टाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहा था और साथ में ही जो कैशियर था उसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जिसके बाद मनपा ने इस बारादरी होटल को सील करने का फैसला लिया और इसे सील भी कर दिया गया है। मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने क्या कुछ जानकारी दी है। सिर्फ होटलों पे नहीं जा रहे, होटल दुकान सब जगह पे हम लोग चेक कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर अचानक जा रहे हैं, इसमें पहले हमने रिलायंस डिजिटल को चेक किया, रिलायंस का दूसरा शॉप भी चेक किया, उसके बाजू में जो जुड़े हुए जो वो भी चेक किया। अभी बारादरी होटल में हम आए हैं। आज से कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। एक्चुअल में भिवंडी में वैक्सीनेशन कम है और कोविड की जो तीसरी वेव है इसमें ऐसा सामने आया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको ज़्यादा ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। और आज मुंबई में जितने लोग एडमिट है उसमें से 90% लोग जो है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, तो ये जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है, होटल है, दुकान है, बड़े बड़े दुकान, पावर लूम है, यहाँ पे जो काम स्टाफ काम कर रहा है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, उन्होंने दोनों मात्रा ली हुई चाहिए। तो वैसा चेक करने के लिए हमारा स्टाफ इधर उधर घूम रहा है। इसमें जो कोई यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल का पालन ना करता हुआ नज़र आएगा उसके ऊपर कड़ी एक्शन ली जाएगी। सर, कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोरोना दोबारा चपेट में ले रहा है, क्या इसके पीछे क्या? यही तो चीज़ भिवंडी में सब लोग व्हाट्सएप पे घुमाते हैं। एक्चुअली मैंने पहले ही बता दिया है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको भी कोरोना हो सकता है, लेकिन जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा सीरियसली बीमार हो जा रहे हैं। और जो 100 लोग एडमिट होते हैं उसमें 96% लोग जो है उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, यानी वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो सकता है लेकिन वो माइल्ड रहता है, उसमें जान जाने की खतरा नहीं रहते। लेकिन कैसा है कि भिवंडी में हम लोगों ने इतना प्रयास किया, मस्जिद में बताया, मस्जिद में अनाउंसमेंट हो गई, मस्जिद के मौलाना ने बहुत सारा अच्छा सहकार किया, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कुछ मस्जिदों ने तो खुद वैक्सीनेशन कैंप लगवाए और मदरसे में भी कैंप्स लगे और बहुत सारे लोक प्रतिनिधि जो है उन्होंने भी बताया। लेकिन हम लोग सबसे बड़ा हमारा व्हाट्सएप हो गया है, खुद हमारे धर्म से भी बड़ा हमारा व्हाट्सएप हो गया है, ऐसा हो रहा है। और भिवंडी में ये देश के कंपैरिजन में और राज्य के कंपैरिजन में वैक्सीनेशन जो परसेंटेज जो है वो कम है। आज की तारीख में भिवंडी में पहला डोज लेने वाले की जो परसेंटेज जो है 71% है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कोरोना की तीसरी वेव नहीं आएंगी, लेकिन वो आ रही है और हमारे जुलाई से दिसंबर तक हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक पेशेंट आ गए हैं। लेकिन अभी हर रोज़ 100 150 200 तक पेशेंट भिवंडी शहर में आ रहे हैं। मेरी सब लोगों को गुजारिश है कि आप मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, यही आपको बचा सकता है। और वैक्सीनेशन परसेंटेज हमारा कम है, वैक्सीनेशन सब लोग ले लेवे और आपका जान का खतरे से बचिए।